देखते हैं बाबा सर उठा खा नहीं रहे हैं। अरे सर पहले हेलो बोलना चाहिए था ना आपको, पहले तो ये कहना चाहिए था हेलो कौन बोल रहा है, आपने सीधे कहा हाँ सर, अपन तो फिर बोलने को सर अब आप ठीक से गलत समझ में आ रही है। मैं दोबारा बंद करूंगा आपको ऐसे दिखाने के अरे भाई जैसे कि मैं केबीसी वाला सर हम बोलते करेंगे ऐसे थोड़ा ना होता है। फिर से देखते हैं बात कर सकते हैं भगवत सर, मैं इस समय मैं प्रवीण शर्मा बोल रहा था और हमारे जनता अकाउंट की क्लास में टैक्स की बात आ गई थी, हमने आपकी मदद लेने के लिए आपको फोन किया है। अच्छा उसका मदद लेने का कुछ फीस मिलेगा या विदाउट फीस? मतलब उसकी उसकी फीस तो सर ये है कि मैं प्यार से आपके लिए गाना गा दूंगा, तो मैं नहीं गाना गा दूंगा आपके लिए। भगवत सर हमारी किताब में एक जगह पर लिखा आया है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अनअमॉर्टाइज्ड, हाँ सर आवाज आ रही है सर, उसमें लिखे हैं कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अनअमॉर्टाइज्ड एज पर टैक्स, मतलब हमारे अकाउंट में तो सर ऐसा होता है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो होते हैं वो 100% है कि साल के अंदर राइट ऑफ कर देते हैं, हमारे पास उसका अमाउंट है 30,000 रुपीज। मेरे को ये समझ नहीं आ रही क्या अकाउंट्स में तो हम कहते हैं कि फ्री रिप्लेसमेंट एसेट है ही नहीं है, इसे उठाओ एक ही साल में 100% पहले ही निपटा दो, तो आप बताओ टैक्स में कुछ अलग होता है क्या? सर हम लोग टैक्स में एक साथ में नहीं डालते हैं, हम क्या करते हैं इसका 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डालते हैं कि जिस ईयर में खर्चा किया उस ईयर से 5 साल में ही अलग करेंगे। ओह माय गॉड, इसका मतलब आप उस खर्चे को आप ये कहते हैं कि हम 5 साल में राइट ऑफ करेंगे, 5 साल में राइट ऑफ करेंगे सर, ये किसी बात है? तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास खर्चा हो गया था, मान लेते हैं सर मैं आपको कहता हूँ कि हमारा खर्चा हो गया था 37,500, तो 37,500 का आप 1/5 हो गया 7,500, तो आप 7,500 अलाउ कर दोगे और 30,000 को आप अनऑर्डाइज कर दोगे। अच्छा सर पंचकुला आपसे पूछ रहे हैं, मैं कुछ बच्चों की क्वेरीज दे रहा हूँ, पंचकुला कह रहे हैं सर इसका सेक्शन क्या है? 35D करके सेक्शन है। भगवत सर बोलते हैं 35D करके है, ये सर करते क्यों बोलते हो आप पीछे? अच्छा झुंझुनू कह रहे हैं सर कल ही पढ़ाया था ऐसा है क्या? परसों पढ़ाया था शायद। अच्छा परसों पढ़ाया था आपने 35D, तो सर ये तो गजब ही कर दिया सर। अब बच्चों के बीच में ना मेरे पास व्हाट्सएप कॉल भी आने शुरू हो गए हैं साथ साथ में, और पंचकुला ने कहा है कि सर भगवत सर की क्लासेस ऑसम है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अच्छा इसके अलावा पंचकुला ने एक और बात कही है कि सर आपकी YouTube पर जो डिडक्शन है वो भी बड़ी ऑसम है। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। और कांताबान जी भी आपको कह रहे हैं भगवत सर इज बेस्ट। मैं ये सोच रहा था कोई ये भी कह रहे शर्मा जी भी देखना पढ़ाते हैं, लेकिन सारे के सारे जो कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं सर बड़े जोरदार है, एक ने कहा बहुत सर बड़े क्यूट है, एक ने कहा वो बहुत ही बढ़िया आती है, एक ने कहा बिजी सर इज बेस्ट, और अफकोर्स सर आपके सर आपको आज मैंने डिस्टर्ब किया इसके लिए मुझे बहुत दुख है आपको। नहीं सर मैं इसके बदले डिस्टर्बेंस नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं दूंगा, ये बिल्कुल नहीं सर, मैं तो मैं बिल्कुल मना कर दूंगा सर, आप फोन मत करना, ये मैं पहले पैसे मांगूंगा फिर मैं आपसे बात करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। कैंसिल कर दिया, अब मैंने फोन बंद कर दिया, लेकिन ये क्या चक्कर है ये ऊपर एयरप्लेन मोड पे भी फोन आ रहा है, गजब हो गया भाई ये तो, आप देखिए कितनी अच्छी बात है, ऊपर एयरप्लेन मोड है, मैंने बंद कर दिया है, वाईफाई भी नहीं चल रहा है और अभी बच्चे की कॉल आ रही है। ये है मेरा फोन जादुई फोन, ठीक है।